हेलो हेलो अभिषेक, हेलो आदित आदित्य। सो यार गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ मी विनीत कांकरिया। दोस्तों आज जैसे आपको पता है, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा क्वीज, यस अगर आपने मेरे प्रोफाइल को अब तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर दो, सो दैट आपको मेरे सारे स्पेशल क्लास के स्केड्यूल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा क्वीज सेशन चलाने वाले हैं। ठीक है, सो जो भी टॉपिक्स आप देखोगे, धीरे 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 पहचाना ना सर मुझे, अभिषेक पहचाना शायद, अब अभिषेक काफी है, अभिषेक सो यस अभिषेक मैं आपको शायद, अच्छा अभिषेक पटुकले, ओके अभिषेक, यस यस यस। सो यार डू रिवाइज आपका, अच्छा अब पहचान लिया दोस्त। सो अब अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। अविनाश, हेलो अविनाश, सो वेलकम। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बता दूं मेरा नाम विनीत कांकरिया, मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट में हुआ है और 10 साल से भी ज्यादा हो गए जहां मैं इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग दे रहा हूँ गाइस। यस, तो आपको ये बेशक बेस्ट रिजल्ट कैट आईपी मैट एनमैट आईपी कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होने दो, इसका मैं बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ। सो बने रहो दोस्तों, ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक है, अनएकेडमी विनीत कांकरिया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे जो भी YouTube के लेक्चर्स का अपडेट है, स्पेशल क्लास का अपडेट है, प्लस कोर्सेज के अपडेट है, स्ट्रेटेजी वीडियो, सारे एक्सेस आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। यस अभिषेक, अब आपके लिए भी ये सब रिवीजन वगैरह सब बेस्ट है, करते हो रिवीजन करो फटाफट। क्विज सेशन है, 3 पार्ट में आज क्विज होने वाला है, अभी 6:30 से 7:30, हेलो आकाश, देन 8 से 9 एंड देन 9:30 से 10:30, 3 सेशन है। फिर भी सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, जितने हो पाएंगे हम सब करेंगे। आ जाओ गाइस, तो पोल देता हूँ, सबने आंसर देना है, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन छाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें, आ गए हैं, हेलो रजत, हेलो ईश्वरी, आ गए, आ रहे आ रहे, पब्लिक आ रही है, अभी भी आने दो सबको, फिर मस्त पोल देखेंगे। चलो 1 सेकंड स्टार्ट करते हैं, चलो पोल दे रहा हूं मैं। कम ऑन ट्राई, सोचो क्वेश्चन के बारे में, कोशिश करो, बहुत इजी है, थोड़ा टाइम ज्यादा देना तो ज्यादा करता हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन, देखो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले कुछ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के लेंगे, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी सब। अविनाश वेरी गुड, अविनाश का आंसर आ गया है। रजत वेरी गुड, आदित वेरी नाइस, चलो बाकी लोग, कम ऑन आकाश, अभिषेक, ईश्वरी, चलो यार 3 लोग करेक्ट है, एक का किसी का रॉन्ग हुआ है, मयूरी, हेलो मयूरी। सो देखो एक किसी का रॉन्ग हुआ है, 3 करेक्ट है, देख लेते। पता है ये क्वेश्चन को जितना रिवर्स में आप करते थे ना, तो ये क्वेश्चन और भी आसान था, कैसे सोच, ध्यान देना। ए गेव 1/5 ऑफ द मनी ही हैड टू बी, मतलब ए के पास जितना भी है, हमें पता नहीं ए के पास कितना है, उसका 1/5 वो बी को देता है। ठीक है, बी इन टर्न गेव 1/3 ऑफ द मनी ही रिसीव फ्रॉम ए टू सी, और पता है बी अपने मतलब ए से जितना मिला है उसका 1/3 सी को देता है। So, if C received ₹20, how much money did A have with him initially? तो बताओ A के पास कितना? गाइस मैं उसको दोनों तरीके से करता हूँ, एक X मान के, जो आप में से कई लोगों ने किया होगा, हेलो सिमरन, तो X मान के कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट A के पास था ₹X, ध्यान देना A के पास कितना था ₹X, उसने 1/5 B को दिया, तो B के पास कितना हो गया 1/5 ऑफ X, और अब B के पास जितना है उसका 1/3, B के पास जितना है ना उसका 1/3 वो किसको दे रहा है, C को। तो गाइस C को कितना मिला है पता है, 1/3 ऑफ जो बी के पास है, तो बी के पास है 1/5 ऑफ एक्स, तो उसका 1/3 मतलब ये कितना हो गया 1/15 ऑफ एक्स। तो गाइस ये हुआ ए का शेयर, ये हुआ बी का शेयर, ये हुआ सी का शेयर। क्वेश्चन बोल रहा है सी का शेयर तो एक्चुअल में ₹20 ही है, तो गाइस अगर 20 ये सी का शेयर है ना,
और क्वेश्चन के हिसाब से सी का शेयर एक्चुअल में कितना है 20 रुपीज, तो 20 इज इक्वल टू 1/15x, तो 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 300 इज द आंसर गाइस, 300 इज द आंसर। आपको क्या पूछा था, व्हाट इज एज एक्चुअल शेयर और व्हाट हाउ मच मनी डिड ए हैव विद हिम इनिशियली, तो यार ए के पास हमने कितना मान के रखा था एक्स, वो कितना आया 300, सो 300 इज द आंसर। हेलो श्रेया, हेलो गणपति, हेलो नमन, हेलो सिमरन। सो गाइस बहुत इजी था, क्लियर है? तो तीन लोगों का आंसर सही आया था, एक का गलत। गुड इवनिंग सिमरन, अभिषेक क्लियर है? चलो यार वेरी गुड। सो ये अगर ये इजी लग रही तो इस मेथड से जाओ, अदरवाइज आप रिवर्स अप्रोच भी ले सकते हो, बट खैर ठीक है, रिवर्स अप्रोच के लिए आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन में ओरली आना जरूरी है, रिवर्स अप्रोच वर्बली ज्यादा है, नोट मतलब पेन और पेपर का कम काम है और वर्बल ज्यादा है, तो गो विद दिस अप्रोच, ये भी कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ए का हमने एक्स ले लिया, उसका 1/5 बी के पास, और जितना बी का है उसका 1/3 सी के पास, तो सी के पास कितना आया 1/15 ऑफ एक्स, बट क्वेश्चन के हिसाब से सी के पास कितना है 20, तो गाइस 1/15 ऑफ एक्स ही कितना है 20, तो एक्स इज हाउ मच 300 इज द आंसर। खत्म। हेलो वैभव, चलो गाइस अब बराबर से आंसर देना फटाफट, बराबर से फटाफट 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 पोल दे दूं, चलो पोल दे रहा हूं मैं, कम ऑन, थोड़े इनिशियल क्वेश्चन है, 15 सेकंड ज्यादा दे रहा हूं, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये भी। तीन आज तीन बार मिलने वाले हैं हम, साढ़े छह से साढ़े सात दिन, 8 से 9 दिन, 9.5 से 10.5, क्वीज ही चलेगा, कई सारे टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उसमें से रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट हो गया है। क्या करूं, टाइमर बढ़ाऊं? टाइमर बढ़ाऊं क्या? चलो ठीक है, टाइमर थोड़ा बढ़ा देता हूं, आ जाओ, 15 सेकंड से वो टाइमर बढ़ाया है, कोशिश करो, अब तक एक भी आंसर नहीं आया है। सिमरन गुड, सिमरन चलो, पूरा 2 मिनट का टाइमर दे दिया है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अभिषेक वेरी गुड, सिमरन अभिषेक सुपर, 2 लोग करेक्ट, 3 लोग रॉन्ग हुए हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। ईश्वरी वेरी नाइस, सिंपल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था यार, जैसी कंडीशन उसने दी थी बस उस कंडीशन के साथ खेलना था, जो कंडीशन दी थी उसके साथ खेलना था। ध्यान दो दोस्तों, ₹675 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी, मतलब एबीसी में मिलाकर 675 का बंटवारा हुआ है। चलो ठीक है, इस बात को हम याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट ₹10 मोर देन 1/3 ऑफ एज शेयर, ₹10 मोर देन 1/3 ऑफ एज शेयर, यानी ए के शेयर के 1/3 से 10 ज्यादा, ए के शेयर से 1/3 जो है उससे 10 ज्यादा, इज इक्वल टू ₹20 मोर देन 2/3 ऑफ बीस, एंड इज इक्वल टू ₹5 मोर 1/3 ऑफ सी। गाइस ध्यान देना, वापिस बता रहा हूं, डोंट वरी, जिसको नहीं समझे यार एक बार वापिस ध्यान देना। सो चलो बच्चे बच्चे ध्यान देना गाइस, सो 675 एबीसी में बंटवारा हुआ है इन सच अ वे दैट 10 मोर मतलब 10 से ज्यादा, क्या 10 मोर देन 1/3 ऑफ एज शेयर, ए का जो भी शेयर है उसके 1/3 से 10 ज्यादा, ए का जो भी शेयर है उसके 1/3 से 10 ज्यादा, ये हो गई वो कंडीशन। एंड 20 मोर देन 2/3 ऑफ बी शेयर, 20 मोर देन 2/3 ऑफ बी शेयर मतलब बी का जो भी शेयर है उससे उसके 2/3 से 20 ज्यादा, ये होगी दूसरी। एंड 5 मोर देन 1/3 ऑफ सी शेयर, तो भाई सी का जो भी शेयर है ना उसके 1/3 से 5 ज्यादा, ये होगी तीसरी कंडीशन। एंड ये तीनों क्वेश्चन बोल रहा है आर इक्वल, खत्म।
क्या बचा अब इसमें गाइज, अगर मैं इसमें से सबसे बड़ा मुझे अभी फिलहाल इजी क्या लग रहा है, बी को एज्यूम करना, बी को एक्सेप्ट, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, 20 है तो 10 भी माइनस हो जाएगा, 5 भी माइनस हो जाएगा, ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आप भी यही मानो, आप ए को एक्स एज्यूम कर सकते हो, आप सी को एक्स एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी करो, बस मैंने बी को एक्स कर लिया है, तो मुझे बताओ यूजिंग दिस इक्वालिटी क्या मैं ए बी सी को कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ एक्स के फॉर्म में, यस, तो अगर मैं इन दोनों को यूज करूँ, सो देख लो ये क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ ए प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्स प्लस 20, दोस्तों ये 10 इधर गया माइनस हो जाएगा बराबर, तो ये कितना बचा, 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 प्लस, हालांकि इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा मन होना चाहिए, अब मुझे बताओ एंटायर इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूं, एंटायर इक्वेशन को 3 से, तो ये कितना हुआ ए, ये कितना हुआ 2/3 ऑफ एक्स है ये, तो देखो 3/3 यहाँ का कटा, 3/3 यहाँ का कटा, बचा 2x और 10, तो दोस्तों मुझे ए का भी शेयर मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर बी का एक्स है तो ए का कितना आया 2x प्लस 10, एंड अगेन यूजिंग दिस इक्वालिटी इन दोनों को यूज करो, क्योंकि मेरे पास बी की वैल्यू है ना एक्स के फॉर्म में, अब सी निकल जाएगा, 2/3 ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ c प्लस 5, गाइस ये 5 इधर आके माइनस हो गया, अगेन 3 से डिवाइड कर दो एंटायर इक्वेशन को, 3/3 कैंसिल, या 3 × 15, अगेन हाँ x ना यार 10 × 3 30 हो जाएगा, एक चीज बस एक चीज, यहाँ मैंने पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 3/3 कैंसिल बचा a, 3/3 कैंसिल बचा 2x एंड 10 × 3 30, ठीक है, हेलो ऋषि, उसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, एंटायर इक्वेशन को पहले तो 5 इधर आया माइनस हो गया, देन 3/3 से मैंने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/3 कैंसिल, क्लियर, देन यहाँ का भी 3/3 कैंसिल और 15 × 3 45, बस ये बन गया सी का शेयर, अब मुझे बताओ यार ए बी सी 675 था, आपने बी को एक्स एज्यूम किया, ये इक्वालिटी जिसको समझी उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ए के शेयर का 1/3 उसमें 10 ज्यादा, बी के शेयर का 2/3 उसमें 20 ज्यादा, और सी के शेयर का 1/3 उसमें 5 ज्यादा, ये तीनों इक्वल है, बी मैंने एक्स ले लिया उससे ए मिला ये, सी मिला ए, ठीक है, सी कितना मिल गया 2x प्लस 45 और ए मिल गया 2x प्लस 30, खत्म यार, तो अब देखो, अब देख लो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 675, ए कितना 2x प्लस 30 अभी हमने निकाला, बी कितना, हेलो अर्पित, बी कितना एक्स हमने लिया, सी कितना 2x प्लस 45, 675, मुझे बताओ 45 और 30 75 होता है, ये 75 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 2x प्लस x प्लस 2x 5x, तो x कितना मिला 120, गाइस x अगर 120 मिला है, क्वेश्चन ने पूछा किसका है, a का, तो a का कितना है 2x प्लस 30, यानी 120 × 2 240 + 30 270, थोड़ा कैलकुलेटिव था, मॉडरेट लेवल था, लेकिन ऑफ कोर्स इसलिए मैंने टाइमर भी थोड़ा ज्यादा दिया था, और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मन ही मन करने की थी यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, थोड़ी सी मन में करने जैसी चीजें ज्यादा थी, वो तो आपको कैलकुलेशन मैंने बताया, सब क्लियर एक बार गाइस, चमका वन क्विक थम्स अप अगर क्लियर है तो, सर एक बार रेशो मेथड से बताइए ना, रेशो नहीं है इसमें, यही रेशो है आकाश, यही रेशो है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व है ना, ₹10 मोर, अगर परसेंट के हिसाब से मेंशन होता ना आकाश, 10% मोर, 20% मोर, 5% लेस, तो हम उसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, जब भी यहाँ पे ₹10 मोर, ₹20 मोर यानी एक्चुअल अमाउंट आती है ना, तो आप कुछ भी अजम्पशन नहीं कर सकते, 100 200 ना, आपको फिर वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा, आकाश मैंने बताया था रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक जब पढ़ाया था कि अजम्पशन आप कांस्टेंट फॉर्म में तब ले सकते हो जब रेशियो दिया और पूछा भी रेशियो, बट डेटा अगर आपको एक्चुअल अमाउंट में दिया तो आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना ही होगा, ये चीज मैंने क्लियर की थी, इसलिए तो मैं बोलता हूँ प्लीज अटेंड करो, उससे क्या होगा आपको एक और, एक तो क्वेश्चन की लेवल आप डिफरेंट डिफरेंट देखते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और दूसरा हर चीज रिविजन हो जाती है, चलो गाइज कम ऑन दिस क्वेश्चन, बोल दे दू तो इसका पोल दे दिया जाए, यस सर दे दिया जाए, ले लो भाई ले लो, थोड़ी मॉडरेट लेवल है, मतलब एकदम बेसिक लेवल भी नहीं है तो एडवांस भी नहीं है, थोड़ी मॉडरेट लेवल है, एक आंसर आया बट गलत है,
कोई भी डाउट आ रहा है पूछो। पिछला एग्जांपल कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसा कोई टफ नहीं था। टाइमर बढ़ाना है तो बढ़ाता हो, देखते हैं 15 सेकंड तक और किसी का आंसर आ रहा है या। और जो चीज नहीं समझ रही ना बिंदास पूछो, कोई डाउट मत रखना दिल में। टाइमर बढ़ा दिया है। सिमरन वेरी नाइस। ऋषि वेरी गुड। ईश्वरी वेरी नाइस। गुड यार गुड। लीडर बोर्ड पे अभी सिमरन टॉप पे, ईश्वरी सेकंड पे, अविनाश थर्ड पे है, रजत, आदित, ऋषि, अभिषेक। कम ऑन आदित, आपकी पोजीशन खतरे में है। 1/3 होगा। नहीं, आदित देखते चलो। गाइस ध्यान देना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 2:3। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दे दिया है, ठीक है। हाँ अब आकाश ऐसे क्वेश्चन देखो जहां पे आपको एक्चुअल डेटा नहीं दिया है, इस तरह 1/3, 2/3, परसेंटेज, रेशो ऐसा दिया, तो यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट एज्यूम कर सकते हो। यस बी होगा, करेक्ट है सिमरन। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:1 है, ध्यान देना गाइस। ऑफ द गर्ल्स 3/4 आर डे स्कॉलर। जितनी भी गर्ल्स है ना अभी फिलहाल 2:1 है, ध्यान देना। जितनी भी गर्ल्स है अभी फिलहाल, पता नहीं कितनी गर्ल्स है, उसकी 3/4 ये डे स्कॉलर है। एंड 2/3 ऑफ देम, मतलब जो डे स्कॉलर गर्ल्स है उसकी 2/3, मतलब पहले टोटल गर्ल्स का 3/4 निकालो, 3/4 वो डे स्कॉलर होंगी। जितनी डे स्कॉलर मिली उसका क्या लेना है, क्योंकि देखो यार डे स्कॉलर वालों को बस फैसिलिटी रखती है ना। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक डे स्कॉलर होते हैं जो सिटी में कहीं तो रहते हैं, और एक हॉस्टलेट होते हैं। हॉस्टलेट वालों की जरूरत नहीं है बस की, वो तो तुरंत स्कूल में आ सकते हैं, तो डे स्कॉलर वालों को बस लगती है। तो जितनी गर्ल्स है उसकी 3/4 डे स्कॉलर है, और वो 3/4 में से भी 2/3 जो है ना वो बस से आती है, बाकी सब अपने अपने व्हीकल से आते होंगे, ठीक है। गाइस मैंने याद है आपको अजम्पशन में जब भी मैंने कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 1/3, 1/4, 2/3, 1/2, तो ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 2/3 से भी इजीली डिवाइड हो, यानी 3 से भी। 1/4 है तो 4 से भी डिवाइड हो, हाफ है तो 2 से भी डिवाइड हो। सो इन दैट केस गाइस वो नंबर मुझे क्या लग रहा है जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 12। तो क्यों ना मैं गर्ल्स को 12 ले लूं, और अगर मैं गर्ल्स को 12 ले रहा हूँ तो बॉयज बाय डिफॉल्ट कितने हो जाएंगे 24, क्योंकि मुझे ये रेशियो भी तो मेंटेन करना है ना 2:1 का। तो अब देखो कितना इजी हो जाएगा, मैंने एज्यूम कर लिया गर्ल्स 12 तो बॉयज हो गए 24, ठीक है। नाउ अब देखो फिर से, ऑफ द गर्ल्स 3/4 आर डे स्कॉलर, इसका 3/4 कितना हुआ, इसका 3/4 हो गया 9, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ देम ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, तो ये तो डे स्कॉलर हुए। अब इसका टू थर्ड कितना हुआ 6, ये जाते हैं बस से, ये वो गर्ल्स हैं जो बस से जाती है आउट ऑफ टोटल 12। एंड अब देखना, इफ 2/3 ऑफ द बॉयज आर डे स्कॉलर, अगेन देखो बॉयज में भी डे स्कॉलर है 2/3, तो इसका 2/3 कितना हुआ 16, 2/3 ऑफ 24। एंड 3/4 ऑफ देम ट्रैवल बाय बस, और इसका 3/4 कितना हुआ 12, ये बस से जाती है, जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी ट्रैवल टू स्कूल बाय बस। पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी कितनी है मेरे पास, मैंने गर्ल्स को 12 और बॉयज को 24 लिया, तो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी कितनी है 36, इसका कितना पार्ट ये बस से जाती है, आधा हो गया ना यार, यही दिख गया हमें। देखो यहाँ गर्ल्स का हाफ हुआ, यहाँ बॉयज का हाफ हुआ, यानी 6 गर्ल्स और 12 बॉयज, यानी 18 स्टूडेंट आउट ऑफ 36 जाते हैं बस से, ये कितना हुआ 1/2। आदित क्लियर है, सुप्रिया हेलो सुप्रिया, चलो सो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है किसी को, तो यहाँ पे भी इस तरह अज्यूम कर सकते हो आकाश, जहां पे एक्चुअल फिगर इन्वॉल्व हो गए ना ₹10 more, ₹200 more, वहां पे आप हमेशा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, और जहां पे 2/3, 1/3, 10%, 20% ऐसा होता है वहां पे आप कॉन्स्टेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये रेशियो भी मेंटेन हो गया, 2/3 लेना, 1/4 लेना भी इजी हो गया, 3/4 लेना भी इजी हो गया, और इस तरह से आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो गाइस, हेलो सागर, सौरव हेलो सौरव, बताओ यार इस क्वेश्चन को। अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट पे, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, बोल दे तू
पोल तो बहुत छोटा आना चाहिए इसका, कम ऑन। आदित गुड, गुड गुड गुड। रजत गुड, टू करेक्ट वन रॉन्ग। अविनाश ईश्वरी वेरी गुड। मयूरी गुड। सागर गुड। चलो यार ठीक है, वेल डन। आनंद आ गया सर, यस सर। अदिति हेलो, आनंद हेलो। सो देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है यार, व्हाट सम अमाउंट टू रुपीज 1120 इन 4 ईयर एंड 1200 इन 5 ईयर। गाइज आपको याद होगा जब हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का एक फॉर्मूला भी था, डिफरेंस इन अमाउंट। अगर आपको दो अलग अलग पीरियड का अमाउंट और दो अलग अलग पीरियड दिए हैं तो आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन पीरियड। मुझे बताओ इसके लिए आपको अब जरूरत है पेन और पेपर की? क्या मनी मन नहीं कर सकते हम? डिफरेंस इन अमाउंट कितना? 80 रुपया। डिफरेंस इन पीरियड कितना? 1 साल। तो यार देखो 80/1 यानी तो 80 हुआ। ये हुआ एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हुआ? 80। अब ये पर ईयर का है। मुझे बताओ अगर मैं 4 साल भी पकड़ू, ये 1120 क्या है? पूरे 4 साल की अमाउंट। तो यार सिंपल इंटरेस्ट पूरे 4 साल का कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल इक्वल होता है ना, हर साल यूनिफॉर्म होता है। तो 1 साल का अगर 80 तो 4 साल का कितना? 320। तो गाइस अगर मैं इसमें से 320 माइनस करूं मुझे मिल जाएगा मेरा प्रिंसिपल, बिकॉज अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज वॉट प्रिंसिपल। अगर आपने कोई भी चीज मिस की है गाइस इसमें से तो मैं फिर से बोलूंगा ज्वाइन माई दिस टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी विनीत काकरिया। वहां पे मैं अपनी सारी प्लेलिस्ट अपलोड करता हूँ समय समय पे, तो आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्रॉम वेरी स्क्रैच से हर चीजें मिलेंगी विद सम ट्रिक्स, जो जो चीजें हमने सीखी है। ठीक है, तो हर चीज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस ये ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, मैं जल्द ही, मैं चाहे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी यहाँ पिन कर देता हूँ। सो गाइज लो फटाफट ये आंसर क्या आया? 800। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट? सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना था आपको। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज व्हाट? डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन पीरियड। अमाउंट था आपका 80 का डिफरेंस पीरियड में था 1 साल का, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 80 रुपया। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 80 है तो 4 साल का कितना? क्योंकि हमें 4 साल की अमाउंट पता है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना? सिंपल तो सेम ही होता है, तो 4 साल का 4 × 80 320। तो बस अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस किया आपको मिल गया प्रिंसिपल। अगर आप 6 साल का भी निकाल, सॉरी 5 साल का, 5 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 1 साल का 80 तो 5 ईयर्स का 400। चेक कर लो 5 ईयर्स की अमाउंट है 1200 माइनस 5 ईयर का इंटरेस्ट, फिर से आपको क्या मिलता? सेम प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल। चलो गाइस फटाफट देख लो ये क्वेश्चन। मैं तब तक टेलीग्राम चैनल लिंक पिन कर देता हूँ, मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है फटाफट तो उसमें प्लेलिस्ट मिलती रहेगी आपको। एक सेकंड, मैं पोल दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में। ये अनअकैडमी के इंटीग्रेशन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, अनअकैडमी विनीत काकरिया, पिन कर दिए देख लो। चलो पोल दे दो इस क्वेश्चन में। हाँ पोल दे दिया जाए सर, क्वेश्चन फालतू में बड़ा दिया है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सच में बोल रहा हूँ। थोड़ा सा सोचो आंसर आ जाएगा। थोड़े मॉडरेट भी है क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट लेवल लिए मैंने। सिंपल और कंपाउंड के अगर आप लेक्चर देखो तो पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं, इतने बेसिक लेवल से हम कर सकते हैं। गुड आदित्य, गुड अविनाश,
सिद्धांत गुड, ऋषि ईश्वरी गुड, और इतने लोगों ने आंसर दिया है, लीडर बोर्ड देख लिया जाए। ईश्वरी टॉप पे आ गई है, सिमरन पीछे, आदित्य सेकंड पे, आदित्य कवर करते हुए, अविनाश थर्ड पे, लीडर बोर्ड बदल गया है। कम ऑन गाइस, कीप इट अप। सो एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर ₹4,000 इफ पेड इन कैश, 4,000 में अगर मुझे मिल जाएगा। मान लो ये पेन है, ये अगर मैं कैश में पे कर दूं 4,000 में मिल जाएगा। बट इफ द कैश पेमेंट इज मेड ओनली फॉर ₹1,000, क्या बोलते हैं इसको, डाउन पेमेंट, मान लो मैंने 1,000 का ही डाउन पेमेंट दिया, 4,000 एकदम नहीं मेरे जेब में, तो क्या कर रहा हूँ मैं, उसमें से 1,000 का डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब बचा गया 3,000। और ये 3,000 पता है कैसे दे रहा हूँ, द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस यानी 3,000 इज पेड आफ्टर 3 मंथ, ये 3 महीने के बाद पे करूंगा, तो शॉपकीपर चार्जेस 90 मोर। अब शॉपकीपर वाला भी अगर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है तो मुझे ₹90 ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। गाइज आप 90 मत देखो, आप देखो कितना परसेंट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मुझे बताओ 3,000 का 1% कितना होता है, 30% टॉपिक आपने देखा है, 3,000 का 1% 2 डिजिट के पहले डेसिमल चिपका दो, मतलब 30 है ना, तो 1% टॉपिक आप देख चुके हो, 1% अगर 30 है तो 90 कितना हुआ, 3%, मतलब दोस्तों 3 महीना लेट पेमेंट दिया तो उसने 3% इंटरेस्ट लगा दिया, 3% इंटरेस्ट हुआ ना, ये 1,000 तो दे चुका है, बैलेंस अमाउंट 3,000 इतना उसने क्रेडिट लिया था ना, तो उसके पीछे ₹90 3 महीने का, यानी 3% इंटरेस्ट लगा चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द शॉपकीपर, और सारे ऑप्शन देखो, पर एनम है। तो गाइज ये 3% तो 3 महीने का है, तो यार पूरा साल तो 12 महीने का होता है, तो ऑफकोर्स इसमें क्या हो जाएगा, 12%। चमका, हेलो रजन, बोलो जल्दी, वन क्विक थम्स अप गाइज, गुड 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 गुड। मोहम्मद, हेलो मोहम्मद, सुपर यार, ठीक है। तो ये उसका सिंपल आंसर था कि 12%, 3,000 4 में से एक दे दिया, बचे 3 में से भी उसने क्या किया, ₹90 ज्यादा दिया, 3 महीने बाद दिया, इसलिए यानी वो कितना हुआ, 3 महीने का 3%, तो 12 महीने का 12%, दैट्स इट, सुपर। आदि तो भी सर बस जल्दी दो, लीडर बोर्ड पे आना है, चलो देख लो फटाफट क्वेश्चन। पोल पोल पोल, हेलो विजय, राजू, आदित्य गुड, एक रॉन्ग एक करेक्ट, सिद्धांत गुड, राजू गुड, सिमरन, सिमरन बैक ऑन फायर, और है कोई, आधे लोग, 4 लोगों ने सही दिया, 4 ने गलत, लास्ट 10 सेकंड्स। विजय, आनंद, सौरव, गुड यार गुड, चलो सुपर, प्रशांत मेधा, हेलो। सो देख लो यार, a certain amount is deposited in a bank for 5 years at a simple interest at the rate of 8% per annum. So, देखो 5 साल के लिए 8% से उसने invest किया. An equal amount, same, उतना ही amount is deposited at the rate of 12% at simple interest for the period of 3 years. मतलब मान लो उसने X invest किया, हालांकि मानने की जरूरत नहीं, but just simple assume करो, जो भी amount उसने invest की, simple interest बोला है, सबसे best part question का. तो उसका rate of interest है 5% और period दिया है for कितना? 5 years. अच्छा सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और पीरियड दिया है 5 years. ये पहली स्कीम. दूसरी स्कीम में क्या बोल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और पीरियड दिया है 3 years.
गाइस सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है ना, ये 8% है, मतलब हर साल 8 8 8 8 रहेगा ऑन द सेम प्रिंसिपल। मतलब ये क्यूमुलेटिवली कितना हो गया 40%, ये क्यूमुलेटिवली कितना हो गया 36%। तो अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता, दोनों में इन्वेस्टमेंट तो सेम है मेरा। ओके अभिषेक, बट आंसर आ गया था आपका बी, बी आंसर आया था अभिषेक। यस वेरी गुड राजू, तो ये क्यूमुलेटिव परसेंट बने पूरे पीरियड के 40 और ये बने 36, मतलब डिफरेंस कितना है 4%। बट गाइज ये जो 4% का डिफरेंस हमारा आया है, ये हमारे हिसाब से आया ना, क्वेश्चन के हिसाब से दिस डिफरेंस इज ₹100। तो यार 4% अगर 100 है तो 100% कितना, हम हमेशा प्रिंसिपल को कितना मानते हैं 100%। ठीक है, तो 4% अगर 100 है तो 100% कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आ जाएगा 2500। तो गाइज अगर ये 2500 है तो ये भी तो 2500 है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है इक्वल सम। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द सम ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक, दोनों बैंक को मिलाकर। बहुत से स्टूडेंट ने नन ऑफ दिस आंसर पे टिक किया होगा, उसका रीजन ये है क्योंकि वो ऑप्शन में 2500 ढूंढ रहे थे। वो कैसे मिलेगा, क्वेश्चन ने पूछा है 2500 सम ऑफ बोथ द सम ऑफ बोथ द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो यार एक में अगर 2500 आया, ये एक का आया है, आप हर प्रिंसिपल को 100% मानते हो, मतलब यहाँ का भी प्रिंसिपल 100 तो यहाँ का भी प्रिंसिपल 100, उसी लॉजिक से फिर 40 बनाया ना हमने, कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो 40% यानी 40 रुपीस, प्रिंसिपल 100 होगा तो 36% यानी 36 रुपीस, डिफरेंस आया 4 का, तो 4 अगर 100 है तो 100 कितना, तो प्रिंसिपल है 2500 एक स्कीम का, 2500 दूसरे स्कीम का, कुल मिला के 5000। यस ऑप्शन में होना चाहिए था 2500 बोल रहे आदित्य, मतलब और स्टूडेंट गलत होते और आदित्य खुश होता। देखो देखो एक सेकंड क्या डाउट है भाई ना, अभिषेक का तो हो गया, अभिषेक आया था ये आंसर आपका 4%। करेक्ट राजू, राजू ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कमेंट में, वेरी गुड। चलो हेलो मानिया आ जाओ गाइस, चलो फटाफट चलो 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 फास्ट 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 All has started. आराम से, take your own time, ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा है कि पोल में नाम नहीं आया तो चलेगा, but accuracy is important. Good सिद्धांत, good अजीत। गुड अदिति, सागर, राजन, गुड नमन, गुड रजत, वेरी गुड। चलो यार आदित्य ने अपनी जगह पकड़ ली फिर से, आदित्य ऑन फर्स्ट गोल्ड मेडल, सिमरन सेकंड आ गई वापिस, ईश्वरी थर्ड, कम ऑन ईश्वरी एंड बाकी लोग भी, ऋषि, मयूरी, सागर, राजू, रजत, सिद्धांत, थोड़ा पीछे अविनाश भी, सबके आंसर बी ही रखे हैं, आकाश ने बाद में बी दिया, अभिषेक ने भी बी दिया है। चलो कोई बात नहीं अभिषेक, अभी ट्राई करो, आ गया बट वो पोल पे नहीं आया, कोई बात नहीं, सबके आंसर बी है भाई, ये कोइंसिडेंस है। नमन A and B invested rupees 2000 and 3000 at the simple interest of 5% and 4% per annum. ठीक है, तो 2000 पे ये 5% invest कर रहा है, 3000 ये 4% के हिसाब से invest कर रहा है, in ठीक है into bank. What is the difference in simple interest? एकदम हलवा question after 5 year. तो पहले तो cumulative percent निकाल लो, simple interest है तो सीधा क्या करना है, 5% 5 साल के लिए, यानी 25%, तो 25% निकाल लो 2000 का, क्योंकि हम ये 2000 रख रहे हैं ना 5% से 5 years के लिए, तो cumulative कितना हो जाएगा 25% and 4% 5 साल के लिए, मतलब कितना 20%। दूसरी बैंक में हम कितना रखते हैं 3000, कितने percent cumulative से 4% 5 साल यानी 20%, तो guys देखो 25% of this 500 and 20% of this कितना होता है 600, question बोल रहा है दोनों का difference, difference is what 100, correct राजू, perfect। आ गया था अभिषेक, बिल्कुल सही आपका आंसर, सिर्फ पोल में नाम नहीं आया बस, बाकी आपका आंसर करेक्ट है, आकाश का भी आंसर करेक्ट है, आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे, पोल एक
बस एक मोटिवेशन है पोले ने, बट आंसर आ रहा है, सो आप विनिंग सिचुएशन पे हो। ओके सो भाई देख लो, राजू गुड, आदित्य सिमरन गुड, दो आंसर सिर्फ, काफी कम आंसर आया यार इस बार, राजू सिमरन एंड आदित्य। इनफैक्ट रॉन्ग रेशियो ज्यादा है, 38% करेक्ट है, बाकी 62% रॉन्ग है। दो दो बार क्या किया आकाश? सर इस शीट में कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चंस नहीं है क्या? राजू कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इंस्टॉलमेंट का इस वाली शीट में तो नहीं है, बट यस क्वीज है अपना तो आएगा, आगे आएगा। बी बी, अच्छा बी बी डी है, ओ हो यार इसको मैंने सी बोलकर पोल दिया था, सी बोलकर पोल दिया था। अच्छा सर पोल नहीं आ रहा, यस विजय लेकिन आपका आंसर करेक्ट है आकाश, अगर आपने ये बी बोलकर आंसर दिया तो करेक्ट है, अदरवाइज ये सी है। अच्छा ये मतलब टाइपिंग एरर हुई है, कोई नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो बट आपने एक लॉजिकली सोचना था ना यार, ए बी है तो सी पी टिक करना था, कोई बात नहीं चलो। और मैं ई दे ही नहीं रहा हूँ, ई इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ई आंसर नहीं है, वैसे दे देना चाहिए था। हेलो निधि, शुरू करते हैं। 1200 बिकम 1380 इन अ स्पैन ऑफ 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, भाई आपको पूरी तरीके से दे दिया है। 1200 बिकम 1380 मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, ये क्या हुआ प्रिंसिपल, ये क्या हुआ अमाउंट, तो कितना डिफरेंस आया प्रिंसिपल और अमाउंट का, जो भी डिफरेंस है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बना 180 का लेकिन पूरे 4 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना आएगा, डिवाइड बाय 4 यानी 45 रुपीज, 45 रुपीज ये क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अब ये परसेंटेज में निकाल लो, अब ऑफ कोर्स आप सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट किस पे निकालोगे, प्रिंसिपल पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर मुझे रेट निकालना है यानी आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो कितना कैसे निकालोगे आप, 45 रुपीज ऑन 1200, 180 पूरे 4 साल का है बराबर, 1200 1380 बन रहा है तो पूरे 4 साल का, तो 1 साल का 45, तो 45 ये कितना परसेंट है ऑन प्रिंसिपल यानी 1200, तो यार ये देख लो 12 3 12 7 12 5 3.75%, तो ये बना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड रुपीज 10,000 अमाउंट, मतलब ये नया प्रिंसिपल आ गया 10,000 इन 6 ईयर्स, ये आ गया नया पीरियड, एट ट्वाइस द रेट मतलब इस रेट का डबल, इस रेट का डबल यानी कितना 7.5%। गाइस तो क्यूमुलेटिव परसेंट कितना हो गया, ये क्यूमुलेटिव 6 × 7.5% यानी 45%, तो 45% अगर मैं 10,000 पे अप्लाई करूं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे को, 4500। और क्वेश्चन लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट इज व्हाट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सी इज द आंसर, करेक्ट अभिषेक। हेलो बॉस गाइस कोई डाउट किसी को भी, 1% भी, सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब बस आपको प्रिंसिपल दे दिया था, अमाउंट दे दिया था, इससे सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको 4 साल का 180, तो पर ईयर का कैसे निकाल लिया डिवाइड बाय 4 करके, बस उसका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया कि 45 ये ओरिजिनल प्रिंसिपल का कितना परसेंट है जो कि आया 3.75%। तो गाइस आपको बोला है कि अगर नया प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, दिस इज माय पीरियड, और ये आपको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे डबल 7.5, सो व्हाट इज द अमाउंट, तो यार इतना क्यूमुलेटिव परसेंट कितना हुआ, हाँ 45, तो ये इस पे अप्लाई कर दो तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 4500, तो ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल कुल मिला के क्या हुआ अमाउंट। सर मुझे टाइम लगा बट आंसर इज राइट, ये लोग कैसे इतना स्पीड सॉल्व करते हैं, वाओ सौरभ भाई, डेली प्रैक्टिस, डेली क्विजेस, डेली क्विज अटेंड करना, इसलिए
ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो कर दो। मतलब मैं जब भी क्वीज, जब भी कोई भी सेशन रखूंगा स्पेशल क्लास का, आपको नोटिफिकेशन आएगा। प्रैक्टिस से ही ये चीज जाएगी। स्पीड में, कैलकुलेशन में स्पीड और कंसेप्ट को, मतलब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, ये प्रैक्टिस से ही होगी, ये बात याद रखना। अगर वो करते तो आप भी कर सकते हो। मतलब बताओ कि तुम सब। यस, वेरी गुड राजू। अभिषेक, गुड। आदित, गुड। तो 3, राजू, अभिषेक, आदित। एक बार लीडर बोर्ड देख लिया जाए। आदित अगेन टॉप पे, 7 out of 9। सिमरन 5 out of 9। राजू 4 out of 9। राजू ने अच्छा कवर किया। ईश्वरी, कम ऑन, 4th पे आ गए हो। सिद्धांत, कहाँ गए सिद्धांत? अविनाश, रजत, सागर, अभिषेक, ऋषि। चलो, गुड गुड गुड, कीप इट अप गाइस। चलो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी विल बी 1200 आफ्टर 12 ईयर। यार मुझे बताओ, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट दे दिया पूरे 12 साल का। और सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिलता है ना। यानी 12 साल में अगर 1200 मिला है तो एक साल का कितना डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 100। एक साल का 100 है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 ईयर। ये पहले आपको ओरिजिनल सिचुएशन दे दी, अगर आप जनरली कुछ ना करते हुए अप्लाई कर दो तो 12 साल का आपको 1200 रुपया मिल जाएगा, यानी हर साल का 100 100 100 100 रुपया। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, आफ्टर 4 ईयर द प्रिंसिपल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 200%। इंक्रीज बाय 200%, मतलब मान लो मेरा प्रिंसिपल अगर पहले 100 था तो ये 100 का 200% कितना होता है, 200 से बढ़ गया। यानी मेरा नया प्रिंसिपल 200 नहीं है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने ये गलती भी करी होंगी कि 200 ले लिया होगा नया प्रिंसिपल, नहीं, नया प्रिंसिपल 300 आ गया। मतलब 4 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 साल तक उसका फॉर एग्जाम्पल 100 100 100 100 ही रहा प्रिंसिपल, जो भी है, एक्स अगर है तो एक्स 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 ही रहा। फिर उसने 4 साल के बाद अपने प्रिंसिपल को 200% से बढ़ा दिया, बराबर। तो अगर वो 100 होगा तो 200% ऑफ 100 कितना होता है, 200, और उतने से बढ़ गया, यानी नया प्रिंसिपल कितना हुआ, 300। ठीक है, 3 times, 200% से बढ़ना मतलब वो 3 times हो जाना। तो गाइस याद रहे, सिंपल इंटरेस्ट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सिर्फ प्रिंसिपल में कम ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में कम ज्यादा होता है। मतलब अगर प्रिंसिपल डबल हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर हाफ हो गया, प्रिंसिपल अगर हाफ हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, लाइक दैट। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो गाइस। तो यहाँ पे आपको क्लियर बोल दिया था सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना हुआ, 1200 अपॉन 12, 100 रुपया। अब 4 साल तक तो कोई टेंशन नहीं, सो 4 साल तक इसी तरह चलता रहा तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 4 into 100, 400। ठीक है, बट उसके बाद मेरा प्रिंसिपल 3 times हो गया। टू, मैंने यही बोलना है खास कि 200% से बढ़ना मतलब क्या हुआ, पहले 100 था, ये 200% से बढ़ा, यानी वो 300 हो गया। तो 100 का 300 यानी 3 times हो गया। तो गाइज अगर मेरा प्रिंसिपल 3 times हुआ है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी 3 times हो जाएगा। यानी मैं जो पर ईयर 100 100 100 100 कमा रहा था, अब ये बचे हुए 8 years में कितना कमाऊंगा, 300 300 300 300। तो गाइस ये कितना हुआ, 2400। फिनिश, आपको बोला व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो गाइस अगर मैं यूनिफॉर्म इन्वेस्ट ना करते हुए इस तरीके से इन्वेस्ट करूं कि पहले 4 साल सेम और उसके बाद बचे हुए पूरे 8 साल, टोटल 12 साल का हिसाब देना है ना, तो उसके बचे हुए 8 साल 3 times ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल, 200% से ज्यादा, यानी 3 times ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो गाइस पहले 4 साल आपका 100 100 के हिसाब से मिलेगा, फिर अगर प्रिंसिपल 3 times हो गया है तो इंटरेस्ट भी 3 times हो जाएगा अगले 8 साल के लिए। कुल मिला के कितना हुआ, 2800। यस, 2800 करेक्ट। सिमरन, हेलो मनीष, सर ये एमबीए के क्वेश्चन है क्या? यस, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एमबीए एंट्रेंस, मैनेजमेंट एंट्रेंस, सीए, जहां जहां रेशियो प्रोपोर्शन है
एनडीए सब जगह का है। रेशियो प्रोपोर्शन इतना जनरलाइज टॉपिक है कि जहां जहां रेशियो प्रोपोर्शन आपको सिलेबस में है सब जगह है। करेक्ट राजू, ईश्वरी एडेड अ डाउट, ईश्वरी ओके, आई एम लेट सॉरी सर, कोई बात नहीं बॉस, आज तो 3 मैराथन है, 3 क्विजेस है, सॉरी मैराथन नहीं। ईश्वरी ओके 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 ओके, यस यस यस, सिंपल इंटरेस्ट के आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, कोई बात नहीं ईश्वरी, डोंट वरी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप हो, मैंने प्लेलिस्ट डाल दी, एक बार फ्री टाइम में वीडियोस देखते रहो, फ्री टाइम में वीडियोस देखते रहो गाइज, आ जाओ ये क्वेश्चन पे। मैं दो सर, क्या बोल रहे हो आकाश, समझा नहीं मुझे, मैं दो सर, मी टू सर, मी टू, अच्छा मी टू, ओके सॉरी यार, मी टू, यस। तो आप फ्री टाइम में वो बेसिक वीडियोस देखते रहो, मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट। हेलो मनीष, यस राजू रेडी विद आंसर, पोल मंग रहा है राजू, सो यार मैं पोल दे रहा हूँ, ध्यान देना सबने पोल पे। गाइज और भी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और भी गुड राजू, अभिषेक विजय, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने कहा है काफी क्वेश्चन है, अभी हम 2 क्विज और मिलने वाले हैं, अभी और भी क्वेश्चन, अभी अभी भी हुआ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद सीधा 8 बजे और फिर 9:30 को। सो आपको अगर मेरी कोई भी स्पेशल क्लास का स्केड्यूल टाइमली जानना है गाइस, तो फटाफट आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो बटन पे क्लिक कर दो, मतलब आपको सारे, जब भी मैं इस तरह क्वीज और लेक्चर स्केड्यूल करूंगा आपको मिलते रहेगा। मेरे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप VNT10 कोड अप्लाई कर दो, तो भी सारे वीडियो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब तक आपने हमारा कोई प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है दोस्तों, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर लाइव लेक्चर, वीडियो एक्सेस, ठीक है, ये सब आपने पोल दे दिया है, वेरी गुड, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, एक सेकंड बस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है। तो ये सारे आपको अभी तो फिलहाल ऑफर चल रही है, यहाँ पे आपको 1 महीना फ्री है, यहाँ पे आपको 2 महीना फ्री एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 4 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, फ्री नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाया जाएगा। आइकॉनिक में वो सारे फीचर है जो प्लस के हैं, लेकिन साथ ही में 1:1 मेंटोरशिप है, एक स्टूडेंट के पीछे एक मेंटोर होता है, एक पूरी डेडिकेटेड टीम होती है डाउट क्लियरेंस के लिए, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, हर चीज है, ठीक है। तो ये उसके कुछ प्लान है जिसमें EMI है, बट गाइज ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स है आइकॉनिक के, उस वजह से उसकी फीस आपको हायर साइड पे दिख रही है, बट उसके रिजल्ट भी उतने ही बेहतरीन है। अभी जैसे कहा कि लिमिटेड पीरियड के लिए 10% ऑफ का ऑफर चल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो, और VNT10 कोड अगर आपने लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, मतलब और आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो बताओ ये 10% और 10% सक्सेसिव कितना होगा डिस्काउंट, एक क्वेश्चन आपके लिए, 10% ऑन एकेडमी द्वारा मिल रहा है, 10% और मिल जाएगा, सो सक्सेसिवली कितना होगा, 19%, मनीष ना ना मनीष 29 19, करेक्ट, सक्सेसिव परसेंटेज, यस, ठीक है। सो को आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारे ऐप के थ्रू, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप या वेबसाइट के थ्रू, प्रॉपर एग्जाम सिलेक्ट करो और प्लान सिलेक्ट करो। जैसे मैंने कहा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जो सिंपली क्या होता है वो एक एनिमेटेड और कलर्ड फॉर्म में होता है। ये हमारी कुछ और ऑलरेडी बैचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ऑनगोइंग बैचेस। कैट कॉम्बैट अगर अब तक आपने नहीं दिया है तो एवरी संडे 12 PM का टाइम फ्रीज कर लो दोस्तों, अनअकैडमी कैट कॉम्बैट 1 घंटे की टेस्ट है, अगर इसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करो तो मोर देन 500 लर्नर कैन विन स्कॉलरशिप अप टू 55 लाख, यस, ठीक है। सो 1 घंटे की टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको अनलॉक करने के लिए VNT10 कोड डाल देना है, टेस्ट अनलॉक हो जाएगी, 1 घंटा 60 मिनट 30 क्वेश्चंस, आजमा लो अपनी पूरी पोटेंशियल को, और कम से कम एक्सपीरियंस तो आएगा ही, अगर टॉप 500 में नहीं भी आए तो एक्सपीरियंस तो आएगा कि और कितना आपको मेहनत करनी है। सर जाते समय अच्छी रेटिंग देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, यस विजय करेक्ट है, अविनाश यस 19 वाला बिल्कुल सही है, सक्सेसिव परसेंटेज। चलो गाइस बताओ इसका आंसर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, ये तो पहला लेक्चर है, अभी तो और मिलने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, कई सारे। तो यस जिन जिन लोगों के सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक है, सबके लिए काम का है, कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम होने दो या कोई भी एग्जाम्स। पोल तो दे दिया था ना मैंने इसमें, अरे इसका पोल तो हो गया था ना,
इसका पोल मैं दिया नहीं था क्या? अच्छा एक सेकंड पोल दे रहा हूँ, शायद दे दिया था मैंने इसका पोल। राजू, मनीष, सौरभ, आकाश, विजय, अभिषेक, बॉस, करेक्ट करेक्ट। सिमरन, बस तो इसको काफी टाइम दे दिया है, शुरू कर दो मैं एक्सप्लेनेशन गाइस, ध्यान देना। सो इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज ₹64 मोर देन द सेकंड ईयर देन दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब गाइस इसका मतलब समझो। चलो अभी फिलहाल ये फिगर इग्नोर करो, ये पता है क्या बोलना चाहता है कि अगर मैं ₹100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है ना, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, फिर अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा यहाँ वाली अमाउंट पे। सो 10% अगर मैं ऐड कर दूँ फिलहाल तो ये कितना हो जाएगा 110। सो 10% ऑफ 110 कितना होगा 11, तो ये कितना हो गया 121। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो 64 डिफरेंस उसने दिया है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8%, ठीक है वो हम बाद में बात करेंगे परसेंट की, अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। ऑन अ सर्टन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट यानी ओरिजिनल प्रिंसिपल जो भी होगा इज ₹64, तो ये 64 मोर यानी डिफरेंस दिया है, ये एग्जैक्ट नहीं दिया है, ये 64 से ज्यादा है ऑफ सेकंड ईयर एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जितना भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, गाइस मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 10, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10। यार 100 तो प्रिंसिपल है ना, 100 तो प्रिंसिपल है, तो 100 की चीज अगर आपकी ये हो गई है फॉर एग्जाम्पल 110, ठीक है तो 100 तो उसी में है ना, आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 10, ठीक है एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है 10, और यहाँ कितना मिल रहा है 11। मतलब ये देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबको छोड़ दो, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, ये डिफरेंस उसने आपको बोला 64। मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल कुछ तो होगा, पता नहीं हमें क्या है, फिर इससे हमें कुछ तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ कुछ तो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर अगला 8% इस पे अप्लाई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो प्रिंसिपल आपको पता है, तो यहाँ पे कुछ तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और ये दो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया है 64। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ₹64 मोर फॉर सेकंड ईयर देन फर्स्ट ईयर, सो व्हाट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो ये ओरिजिनल प्रिंसिपल पूछा है। सो गाइज लेट स्टार्ट, गाइज जो भी हो, मैं अगर 100 मानू जो भी हो, 8% का ये कितना हुआ 8, मतलब फर्स्ट ईयर का ये कौन सा हुआ फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा, मान लो ये 108 हो गया, तो सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा 8% इस पे अप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 8.64, ये कितना हो गया 8.64, 8% ऑफ 108 है ना, 8% ऑफ, देखो 10% कितना होता है 108 का, 10% के लिए आपको पता है यहाँ डेसिमल चिपका दो यानी 10.8 और उसमें से 2% माइनस कर दो, 1% कितना होता है 1.08, दो डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो उसका डबल, उसका डबल कितना हुआ 2.16, तो ये कितना हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 8.64, या फिर आप सीधा निकाल सकते हो 8% ऑफ 108, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा 864 अपॉन 100, तो 8.64। गाइस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपया, सेकंड ईयर का 8.64, डिफरेंस कितना आया, मेरे अजम्पशन से डिफरेंस आया 0.64 रुपीज, एज पर माय अजम्पशन दिस डिफरेंस इज व्हाट 0.64, बट एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है 64, क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है 64, तो दोस्तों यूनिटरी मेथड, अगर 0.64 एक्चुअल में 64 के बराबर है, 0.64 एक्चुअल में 64 के बराबर है, सो व्हाट इज अमाउंट डिपॉजिटेड, तो अमाउंट डिपॉजिटेड मैंने क्या माना है 100 इज इक्वल टू हाउ मच, सॉल्व कर लो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा, ये 6400 अपॉन 0.64, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 100-100 से मल्टीप्लाई कर लो, और अब इसको डिवाइड कर लो, 10,000 इज द आंसर गाइस, 10,000 इज द आंसर, वन क्विक थम्स अप, क्लियर हुआ, गुड विजय, यस 100 टाइम्स करेक्ट, हेलो अनन्या, पोल हो गया था पहले, हाँ दोबारा कर दिया फिर दे दिया था मनीष, अरे मुझे वही तो पूछ रहा था, मैं किसी ने बोला ही नहीं, पार्टनरशिप चैप्टर डायरेक्टली नहीं है सिमरन,
बट इट इज इन्वॉल्व अंडर रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अगर आप रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉप क्वेश्चन देखो तो उसमें पार्टनरशिप आता है. पार्टनरशिप आपको एज पर सिलेबस डायरेक्ट नहीं दिखेगा बट इट इज अ वेरिएशन, डायरेक्ट नहीं दिखेगा बट इट इज पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है सिमरन. ओके 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 चलो. सो लीडर बोर्ड की पोजीशन आदित अभी भी टॉप पे है, टेंशन ना ले आदित. राजू सेकंड, सिमरन थर्ड. चलो गाइज एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम आधे घंटे के ब्रेक के बाद मिलेंगे एग्जैक्ट 8 o'clock. क्वीज नंबर 2, उसमें हम थोड़ा सा प्रॉफिट लॉ सॉरी प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ ये सब चीजें देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. दिव्यांश, हेलो दिव्यांश. डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी 10% पर एनम आफ्टर 3 ईयर. देखो दोनों को हमने एक कुछ तो सर्टन सम है जो हमने दोनों में इन्वेस्ट की, सी आई और एस आई में 10% 3 साल के लिए, तो उसका डिफरेंस ये आया. अच्छा सर आप तो पोल ही नहीं दिए, पोल भूल गया सॉरी. यस पोल ले लो. राजू करेक्ट, आदित करेक्ट, सिमरन आकाश करेक्ट. चलो यार राजू आदित आकाश सिमरन अविनाश, गुड 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 गुड. चलो यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सो यार देख लो, इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है आपको ऑन अ सर्टन सम एट 10% पर एनम आफ्टर 3 ईयर. तो यार सिंपल इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव पूरे 3 साल का तो 30% हो जाएगा. ये सिंपल इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव परसेंटेज, 1 साल का 10 तो 3 साल का 30. कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको निकालना होगा, फर्स्ट ईयर का 10, सेकंड का 10, थर्ड का 10. तो आपको फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 क्यूमुलेटिव निकालने के लिए. तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 एंड 10 इंटू 10 100 अपॉन 100, तो 20 प्लस 1 21 हो गया. तो इन दोनों का हो गया 21. अब इसके साथ कर लो तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 210 अपॉन 100. तो गाइज ये कितना हुआ, 31 प्लस 2.10 यानी 33.10. मतलब दोस्तों पूरे 3 साल के पीरियड में हमें सिंपल इंटरेस्ट से कितने परसेंट से पैसा मिला, 30, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने परसेंट से पैसा मिला, क्यूमुलेटिव परसेंट रेट निकाल लिया करो तीनों साल का सिंपल ये फॉर्मूला से. 2 साल का ये हुआ 21 और फिर अब ये 2 साल का इससे कंपेयर कर लो तो ये हो गया 33.10. मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3.10. अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करता, 100 रुपया इन्वेस्ट करता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया देता, 30 रुपया. कंपाउंड कितना देता था, 33.10. मतलब कितने का डिफरेंस आया, 3.10. तो मेरे हिसाब से 3.10 आया, एक्चुअल में तो क्वेश्चन ने 6200 बोला है. यही जो डिफरेंस है 3.10 का, ये क्वेश्चन के हिसाब से 6200 है. तो हमने जो प्रिंसिपल 100 मान के, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम 100 ही मानते हैं ना प्रिंसिपल मनी मंथ, वो एक्चुअल में कितना. सो 3.10 अगर 6200 है तो 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वो दोस्तों, खेल खत्म. X is equal to 6200 into 100 upon 3.10 बोलो या 3.1 बोलो. ये डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 10 से और मल्टीप्लाई कर लो. देखो यार ये 31 का एग्जैक्ट डबल है. सो ये 200 हुआ into 1000, 200 into 1000 2 lakh. 2 lakhs is the answer guys. तशीन, साहिल, डन. यस विजय, हेलो साहिल. सो गाइज आई होप आपको फर्स्ट क्विज में अच्छा एक्सपीरियंस आया होगा. थोड़ा सा देखो सोचो, कोई टेंशन नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन सिंपल कंपाउंड ही किया है. आगे अगले वाली क्विज में और थोड़ा कंपाउंड होगा, पार्टनरशिप होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, फिर थर्ड क्विज में कुछ और प्रॉफिट लॉस वगैरह ऐसे देखेंगे. मैंने कहा पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 3 क्विज इनफ नहीं, जितना आज होगा आज करेंगे. सर माय कमेंट एंड आपका कमेंट कहा है, कंकनाला. यस सर 8 PM है, यस 8 PM आदित्य. यार मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा है. राजू कैन यू कॉपी अगेन,
कमेंट, रुको 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 सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा एरर है, इन द थर्ड ईयर होना चाहिए था। कहाँ पर है भाई? सम ऑफ मनी 10% अप टू 3 ईयर इज 63 ईयर। क्यों? मतलब राजू, अरे ये क्यूमुलेटिव परसेंट है ना, पूरे 3 साल का है, पूरे 3 साल का है, ये 1 साल का थोड़ी डिफरेंस है, पूरे 3 साल का डिफरेंस है राजू। एनीवेज राजू, जो भी आपका डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्लियर कर लेंगे, अभी वाइंड अप करते हैं, टाइम हो चुका है दोस्तों, मिलते हैं 8 बजे। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय, बाय गाइस, बाय। अच्छी अच्छी रेटिंग देना, बाय, यस, एंजॉय, यस अभिषेक।